नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ए टू जेड स्पीड न्यूज में। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया को तीसरे वनडे में 13 रनों से हराकर भारतीय टीम क्लीन स्वीप टालने में कामयाब रही। इस बार टीम इंडिया ने 302 रनों का स्कोर बनाया और ऑस्ट्रेलिया को 289 रनों के स्कोर पर ढेर कर दिया। हार्दिक पांड्या को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, जबकि तीन मैचों में 2 शतक जड़ते हुए 216 रन बनाने वाले स्टीव स्मिथ को प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब मिला। इस मैच में बने 7 बड़े रिकॉर्ड्स, चलिए देखते हैं एक एक करके। नंबर 1, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस मैच में विराट कोहली ने 63 रनों की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 23 रन बनाकर 12,000 वनडे रन भी पूरे कर लिए। उन्होंने सचिन तेंदुलकर के सबसे तेज 12,000 रनों का रिकॉर्ड को अपने नाम कर लिया। सचिन ने इस मुकाम को हासिल करने के लिए 300 और विराट कोहली ने 242 पारियां खेली। नंबर 2, इस मैच के पहले तक वनडे में हार्दिक पांड्या के नाम 90 रनों की सर्वोच्च पारी दर्ज थी। उन्होंने 76 गेंदों में 92 रनों की पारी खेल अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। नंबर 3, कोहली ने अपना पहला वनडे शतक 2009 में श्रीलंका के विरुद्ध बनाया था। तब से हर साल विराट कोहली शतक लगाने में कामयाब रहे, लेकिन पिछले 11 सालों में 2020 पहला साल है जब वे कोई भी वनडे शतक नहीं जड़ सके। नंबर 4, ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड एक दिवसीय क्रिकेट में विराट कोहली को लगातार सबसे ज्यादा बार आउट करने वाले गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने विराट कोहली को लगातार 4 बार आउट किया है। इससे पहले भारतीय कप्तान को जुनैद खान, जो रिचर्डसन और ट्रेंट बोल्ट ने लगातार 3-3 बार अपना शिकार बना चुके हैं। नंबर 5, 63 रन की अर्धशतकीय पारी खेल कोहली सबसे ज्यादा बार वनडे में 50 प्लस पारियां खेलने के मामले में जैक कैलिस के साथ संयुक्त रूप से चौथे पायदान पर आ गए हैं। दोनों दिग्गजों ने 103 बार 50 या उससे अधिक रनों की पारी खेली। वहीं नंबर 1 पर मौजूद सचिन तेंदुलकर ने 145 बार 50 प्लस इनिंग्स खेल चुके हैं। नंबर 6, हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा ने 6वें विकेट के लिए 150 रन नाबाद रनों की साझेदारी की। उनकी 6वें विकेट की ये साझेदारी भारत के लिए तीसरी सबसे बड़ी साझेदारी है। इसके पहले अंबाती रायडू, स्टुअर्ट बिन्नी और युवराज सिंह एमएस धोनी की जोड़ी ने क्रमशः 160 और 158 रन 6वें विकेट के लिए जोड़े थे। नंबर 7, कैनबेरा के मैदान पर ये भारतीय टीम की पहली जीत है। उन्होंने यहां 3 वनडे खेले हैं, 2008 में श्रीलंका, 2016 में ऑस्ट्रेलिया के हाथों टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए ए टू जेड स्पीड न्यूज़। धन्यवाद।